उनका एक तरफ आप रमन राघव बना रहे हैं, दूसरी तरफ रामू जी वीरप्पन बना रहे हैं, तो क्रिमिनल्स पे फिल्म में मतलब एक तरफ मैरी कॉम बन रही है, तो इस फिल्म के पीछे क्या सोच अप्रोच थी? क्रिमिनल्स को ग्लोरीफाई तो नहीं कर रहे? नहीं, ऐसा कुछ भी, मैं तो वो हम लोग हमारे यहाँ ऐसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं कि हम लोग क्रिमिनल्स को ग्लोरीफाई तो नहीं करते हैं। हमारी तो कंट्री ऐसी, यहाँ पे हर चीज़ रोज़ ग्लोरीफाई होती है जो नहीं होनी चाहिए। आई थिंक ये फिल्म जो है किसी को ग्लोरीफाई करने के लिए नहीं है, और ये फिल्म जो है मतलब ये फिल्म देखेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगी। एंड वो आज हमारे समाज में जो कुछ भी हो रहा है उसको एक फिक्शनलाइज, एक थ्रिलर की तरह, एक फिल्म ये थ्रिलर की तरह है जहाँ पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास अक्सर घटती हैं, उसको नज़रअंदाज करते हैं, और वो कैसे उसको एक कहानी की तरह पिरोया गया है। जॉनर फिल्म है, और जॉनर फिल्म अक्सर जो है चाहे वो हॉरर हो, चाहे थ्रिलर हो, चाहे सस्पेंस हो, चाहे चेस ड्रामा हो, वो अक्सर जो एक कहीं ना कहीं एक अंदर एक ऐसा एक पॉलिटिक्स लेके घूमती हैं सोसाइटी का, और जिनको और किसी तरह से कम्युनिकेट नहीं किया जा सकता। तो इस फिल्म में भी वैसा ही है कुछ।